यूपी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव नजदीक आते ही सरगर्मी तेजी से हो गई है। प्रत्याशी जनता के बीच नए वादे लेकर पहुंच रहे हैं। गांव मोहल्लों में चौपाले सजने लगी हैं। चुनाव को लेकर 24 आवर्स टुडे न्यूज टीम भी आज पहुंची मुरादाबाद के भगतपुर टांडा ब्लॉक के गांव महमूदपुर तिगरी में, जहां प्रधान पद के प्रत्याशी उस्मान भाई के छोटे भाई शरीफ से बात की संवाददाता लोकेश सिंह ने और वहां मौजूद जनता की राय ली। इस बार ग्राम पंचायत महमूदपुर तिगरी से उस्मान भाई प्रधान पद प्रत्याशी है। जनता ने भी प्रत्याशी की प्रशंसा की और बताया उस्मान भाई जनता के बीच हमेशा सक्रिय रहे हैं। लॉकडाउन में भी उन्होंने जनता की काफी सेवा की। इस बार गांव की जनता उन्हें अपना प्रत्याशी बनाना चाहती है। उस्मान भाई के चुनाव में आने से गाँव में राजनीति का माहौल गर्म हो गया है। नमस्कार, मैं लोकेश और आप देख रहे हैं हमारे साथ 24 आवर्स टुडे न्यूज चैनल। जैसा कि सभी जानते हैं कि अब ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो चुकी है और जो प्रत्याशी हैं अपने ताल ठोक रहे हैं। इस बीच हम भी मौजूद हैं शरीफ भाई के साथ, जो महमूदपुर तिगरी से आते हैं, और हम इनसे जानना चाहेंगे कि चुनाव में किस तरह के वादे लेकर वो उतरे हैं और क्या क्या उनकी रणनीति है, जीतने के बाद में वो विकास कार्य किस तरह से कराएंगे। चलिएगा, हम उनसे बात करते हैं और रूबरू कराते हैं। जी, आपका नाम? शरीफ। शरीफ अहमद जी, आप महमूदपुर तिगरी गांव के ग्राम पद प्रत्याशी हैं। अच्छा, बड़े भाई हैं आपके, तो किस तरह की उम्मीदों के साथ और किस तरह की रणनीतियों के साथ आप मैदान में उतरे हैं? शरीफ भाई, थोड़ी गर्दन पकड़ो। देखिए सर, हम लोग जो अभी तक जो विकास कार्य नहीं हुए हैं ग्राम पंचायत में, जी जैसे कि कुछ रास्ते हैं, कर्जे हैं, ऐसे बहुत सारे रास्ते हैं, फिर ठीक तरह से नहीं चल रहा है, नहीं हुए हैं, किसी ने नहीं कराए हैं जी। और कुछ विधवा पेंशन हैं, गरीब व्यक्ति लोग हैं, सरकारी आवास आवास में जी जी वो नहीं मिले हैं, तो हम लोग भी चाहते हैं कि गरीब को गरीब का हक मिल जाना चाहिए। अच्छा, यही रणनीति लेकर के हम लोग मैदान में। अच्छा, जैसा कि पहले जो आप 5 साल बीत चुके हैं उसमें किस तरह का प्रधान का विकास कार्य रहा है, क्या जनता आपको चुनना चाहती है इस बार? देखिए, जनता ने तो हमें पिछले 2 बार लड़े हैं, इससे पहले जी दोनों बार हमारी ग्राम पंचायत में सबसे ज्यादा लोगों ने मत हमें लेकर के काम किया। अच्छा, लेकिन जो 3 गांव और लगते थे जी, उन गांव में मतलब कुछ किसी वजह से हम लोग हारे हैं, मात्र 4 से 10 12 वोटों के अंदर। अच्छा, और बाकी अपनी ग्राम पंचायत जो हमारी लगती है अपनी बस्ती में, उसमें सबसे ज्यादा अधिक वोट हमारे पास है। जैसे कि इस समय मतलब चुनाव की सरगर्मी तेज हो चुकी है, वादे भी बहुत किए जाते हैं, वादों के बाद में जो प्रत्याशी आते हैं मुकर जाते हैं, तो क्या जनता जिस तरह से आप पे विश्वास कर रही है, क्या उस तरह से आप जनता के वादों पर खरा उतर पाएंगे? देखिए सर, हमारे जो बड़े भाई हैं उस्मान भाई, उन्होंने हमारी ग्राम पंचायत के लिए जितना कहा है उतना अभी तक किया है, बिना पद के। अच्छा, बिना पद के? बिना पद के जितना कहा है उससे ज्यादा किया है जी। और लोगों में सच्चाई मतलब करके दिखाई है, बिना किसी पद के लोगों की सेवा मतलब हमेशा चोरी हर बंदा हर सेवा आपका जी 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 जी। जैसे कि गांव वाले जानते हैं और क्षेत्र में आपकी पहचान है, आप सामाजिक कार्यकर्ता भी रहे हैं, समाज से हर समय जुड़े रहते हैं, लोग आपकी प्रशंसा करते हैं, आप जनता की सहायता करते हैं, लॉकडाउन में भी काफी आपने सहायता की है, आने वाले समय में अगर आप जीत जाते हैं तो किस तरह से आप जनता की सेवा करेंगे? देखिए सर, जैसे करते आए हैं वैसे ही करेंगे, ये नहीं कि हम पद के लिए हम भाग रहे हैं, हम गरीबों का हक देने के लिए भाग। अच्छा, जो उनका हक का अधिकार है गरीबों का, उनको मिल जाना चाहिए, इसीलिए हमारी भाग हो गई और हमारे बाकी भाइयों का आशीर्वाद है। कोई ऐसी बोलिए, हमारे जो भाई हैं जो कहते हैं वो करते हैं, मतलब लोगों की निगाह में एकदम साफ सुथरी छवि है। शिक्षा को लेकर कितना आपका प्रचार प्रसार? शिक्षा को लेकर तो देखिए, अभी हमारे ग्राम स्कूल है, हमारे जो अभी तक जो भी प्रधान रहे हैं किसी ने इस तरफ शिक्षा की तरफ ध्यान नहीं दिया। अच्छा, क्योंकि वो खुद शिक्षित नहीं रहे। अच्छा, जब खुद शिक्षित नहीं है तो वो शिक्षा की तरफ ध्यान भी नहीं दिया। जी जी। भाई हमारे शिक्षित है, उनके बच्चे सब शिक्षित है, हम लोग शिक्षित परिवार से हैं, तो हम लोग प्रयास ये करते हैं कि जो भी बच्चा जिस घर में है वो शिक्षा हासिल करे, जब शिक्षा हासिल करेगा तो वो अपने घर का स्वास्थ्य बदलेगा। अच्छा, यहाँ कुछ और भी हैं जो यहाँ बैठे हैं, मैं उनसे जानकारी लेना चाहूँगा, गाँव की जनता है, उनका क्या उनके प्रति शरीफ भाई के प्रति किस तरह की उनकी विचारधारा है? जी, आपका नाम? अच्छा अच्छा अच्छा, आप मुझे बताना चाहेंगे कि अभी उनके पास कोई पद नहीं है, उससे पहले जो गांव की जनता थी, जो गांव की जनता, उसका किस तरह से उन्होंने देखभाल की, किस तरह से उनकी सहायता कर दी? अच्छा, लॉकडाउन में किस तरह से उन्होंने उनकी सहायता? बढ़िया की। तो आप इस बार प्रधान पद के जो उम्मीदवार हैं, क्या उन्हीं को बनाना चाहते हैं?
गांव की कितनी जनता उनके संपर्क में है, कितनी जनता चाहती है? जनता तो आज ही जान चाह रहे हैं। अच्छा, उन्हीं को चाहती है, तो ठीक है। यहाँ एक और बुजुर्ग हैं जो कभी बहुत अनुभव भी लग रहे हैं मुझे, और उनसे बात करूंगा, जानना चाहूंगा कि किस तरह की रणनीति और किस तरह की राजनीति इनके गांव में रहती है। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम इरफान है। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि पहले जो चुनाव जीतकर प्रधान रह चुके हैं, जीते हैं, उन्होंने किस तरह की गाँव में विकास कार्य किया है, किस तरह की रणनीति यहाँ रहती है? देखिए, रणनीति तो यही रहती है कि आदमी जब एक बार प्रधान बन जाता है जी, तो सबसे पहले तो वही सोचता है कि अपना काम मेरा सीधा हो। अच्छा, उसके बाद में जो करीब लोग होते हैं उनके लिए जी जी, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ है कि हर एक के लिए, चाहे लोग किसी गरीब के लिए, किसान के लिए जी, कोई मदद पहुँचाए। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं हुआ अभी। ऐसा अभी तक आपके यहाँ कुछ नहीं हुआ, सिर्फ राजनीति होती है अपनों को लेकर, अपनों को लेकर, और कोई मतलब जो गांव के असहाय व्यक्ति हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, उन तक जो सुविधाएं आती हैं सरकार की, वो नहीं पहुंच पाती। नहीं पहुंच। तो अब इस समय जो उम्मीदवार हैं उनके विषय में, उनके बारे में क्या जानते हैं आप? उनके बारे में मैं जानता हूँ कि वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जी, जिनका नाम उसमान भाई है जी, वो हर टाइम कभी पक्षवाद की बात नहीं करते। अच्छा, हर गरीब के साथ खड़े मिलते हैं वो जी, कहीं भी कोई परेशानी है, मरीज है, उनके घर में कोई भी है जी, उसके लिए हर टाइम तैयार रहते हैं, और किसानों के लिए भी जो उनके करने का काम होता है, देखभाल का है, कोई भी आता है उनसे मिलता है जी, तो उनकी जिस तरह की भी मतलब वो मदद मांगना चाहता है उसकी करते हैं, सहायता मतलब दी जाती है, दी जाती है। अच्छा, अगर वो प्रधान बन जाते हैं आप जनता के सहयोग से, तो आप किस तरह की उम्मीद कर रहे हैं? हम इसी तरह से, सबसे पहले काम तो हमारा यही रहेगा के गरीब मजदूर और जी, किसान जी, इन लोगों के जो है काम सभी कराए जाए, और दूसरा उसके बाद शिक्षा की तरफ भी काफी मतलब ध्यान दिया जाएगा। हाँ, स्कूल हमारे घर के सामने है, हर टाइम हमारा नजर शिक्षा पर भी रहेगी जी जी। चलिएगा, एक और बुजुर्ग है उनसे भी जानकारी लेना चाहेंगे जी। आपका नाम? उस्मान जी, के बारे में आप ऐसा क्या जानते हैं जो इतने लोकप्रिय हैं और जनता उनको इस बार समर्थन दे रही है, आपके महमूदपुर तिगरी गांव से? बढ़िया आदमी है ना। अच्छा, गांव में भी मतलब बढ़िया तरीके से व्यवहार उनका। अच्छा, और गरीबों को भी सहायता देते हैं। अच्छा, गरीबों की सहायता मतलब हर समय गरीबों के साथ रहते हैं? हर समय गरीबों के साथ रहते हैं। अच्छा, जैसे कि आपने उम्मीद की है उनसे, और अगर वो प्रधान बन जाते हैं तो वो बढ़िया बात है जी, जैसे कि पहले लॉकडाउन में किस तरह से उन्होंने जनता का साथ दिया था, जनता की सेवा दिया था, जो किसी को दिया था वो भी दिया था। अच्छा अच्छा अच्छा, कुल में किसी को नहीं दिया था। हाँ, जी 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 जी। अच्छा, मतलब जैसे कि लोग अपने प्रचार प्रसार के लिए खुलेआम जनता में दान करते हैं कि प्रचार प्रसार हो, लेकिन उनका खुद ऐसा मकसद नहीं है, सिर्फ जनता पे विश्वास जताना और जनता को अपने ऊपर विश्वास जताना ही उनका मकसद है। बस जताना उनका मकसद है, और देख करते भी बढ़िया उपाय उनका जी, बढ़िया। अच्छा, और गरीबों को भी मतलब साथ देते हैं। अच्छा, अब इस समय जो गाँव की जनता है कितनी उनके सपोर्ट में? उनकी बहुत आदमी सपोर्ट में उनके देखते हैं, महिलाएं भी उनके साथ हैं, महिलाएं भी उनके साथ हैं, आदमी उनके साथ हैं।